दोस्तों, श्रीलंकाई क्रिकेटर धनुष्का गुरतिलका को ऑस्ट्रेलिया में T20 विश्व कप के दौरान एक महिला से कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल अभी उनके ऊपर मुकदमा जारी है, लेकिन गुरुवार को क्रिकेटर के लिए राहत भरी खबर यह आई कि उन्हें जमानत दी गई है। हालांकि मुकदमे की सुनवाई के दौरान उनके ऊपर कुछ शर्तें भी लागू की गई हैं, खासतौर से उन्हें सोशल मीडिया अकाउंट के इस्तेमाल से प्रतिबंधित कर दिया गया है। गौरतलब है कि विश्व कप के दौरान सिडनी की एक महिला ने क्रिकेटर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बाद 31 वर्षीय गुरतिलका को 6 नवंबर की सुबह कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया। गुरतिलका को जमानत तो दी गई है, लेकिन कुछ शर्तें भी रखी गई हैं, जिसमें टिंडर, सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप के इस्तेमाल पर प्रतिबंध के अलावा जमानत की शर्तों में 1,50,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, पासपोर्ट सरेंडर करना, पुलिस में 2 बार रिपोर्ट करना, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू और शिकायतकर्ता से संपर्क नहीं करना शामिल है। वहीं श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने यह मामला सामने आते ही गुरतिलका को उनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से निलंबित कर दिया था। रिपोर्ट में पुलिस दस्तावेजों का हवाला देते हुए लिखा गया कि गुरतिलका ने यौन उत्पीड़न के दौरान पीड़िता का बार बार गला दबाया क्योंकि उन्हें पकड़े जाने का डर था। गुरतिलका पर आरोप साबित होने पर अधिकतम 14 साल की सजा हो सकती है। स्थानीय मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार गुरतिलका और शिकायतकर्ता महिला ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए पिछले कई दिनों से एक दूसरे के संपर्क में थे। बाएं हाथ के बल्लेबाज गुरतिलका वर्ल्ड कप में श्रीलंका के पहले दौर के मैच में नामीबिया के खिलाफ खेले थे और खाता खोले बिना आउट हो गए थे। इसके बाद चोट के कारण उन्हें टूर्नामेंट से भी बाहर होना पड़ा था। ऐसे ही सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।